नमस्कार मित्रों, अनुरुति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 67 में आपका स्वागत है। अमावस्या दोष, अमावस्या दोष क्या होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, घबराहट होगी, मन नहीं लगना, डर लगना, हमेशा डिप्रेशन, एकाग्रता नहीं होना, एक पल में ये दूसरे पल में वो, कभी हाँ कभी ना, इस तरह की चीज़ें होंगी। जन्म अमावस का हो तो ये दोष मान लिया जाता है, या एक दिन आगे पीछे भी हो तो भी ये दोष होगा। सूर्य प्लस चंद्र की युति बनेगी, मतलब सूर्य और चंद्र अगर कहीं भी आकर बैठ जाते हैं तो ये युति मान ली जाती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक साथ हैं, सूर्य प्लस चंद्र, यहाँ यहाँ कहीं भी हो तो ये बेसिकली अमावस दोष होता है। दृष्टि दोष से ये नहीं बनेगा, अमावस के दिन या एक दिन आगे पीछे भी अमावस दोष। इस दोष के कारण चंद्रमा कमज़ोर पड़ जाता है, इस कारण सारे लक्षण दिखते हैं। चंद्रमा अगर डिग्री कम है तो और भी बहुत ज़्यादा खराब होगा, लेकिन अगर गुरु अच्छे हो तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा मान लिया जाता है, उतना खराब फल नहीं देगा। इसके अलावा ये दोनों अगर मारक हैं तो ये और चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो ये है आपका अमावस दोष। अमावस दोष अगर है तो बेसिकली क्या करना चाहिए कि चंद्रमा का उपाय कर लेना चाहिए, जिससे ये दोष को क्या होता है, थोड़ा सा कमी आती है। इसके अलावा अमावस दोष का जो मेन दिक, मतलब जो परेशानी, वो चंद्रमा को लेकर ही होती है, क्योंकि मन में नियंत्रण बिल्कुल नहीं रह जाता। मन कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, एक पल में ऐसा, एक पल में वैसा, इस तरह की दिक्कतें ज़रूर होंगी। तो ये था वीडियो। अगर मैं बात करूँ कि अमावस दोष, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो तक नमस्कार। इसके अलावा मारक कारक पे पीछे वीडियो डाल चुका हूँ, अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए तो उसको आप एक बार ज़रूर पहले जाकर देख लें, उसके बाद ही सारी चीज़ों को आप एकदम डायरेक्ट ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अमावस दोष के लिए सिंपल, सूर्य प्लस चंद्र की युति प्रतियुति से नहीं बनेगा। डिप्रेशन, मन नहीं लगना, अगर मन पे कंट्रोल नहीं है तो सब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस नहीं अच्छा लगेगा, फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, इस तरह की चीज़ें होना इसमें तय होता है। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।